कैसे हो आप सब? प्रोबायोटिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छे से रखते हैं, हमारे पेट के फ्लोरा को बढ़ाते हैं, गुड एंजाइम्स बढ़ाते हैं पेट में। तो मैं एक बहुत ही इजी सी रेसिपी जो हमारी नानी दादी परनानी सब यूज़ करते हैं, काली गाजर की कांजी, आप सबने सुना होगा। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारे जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती हैं, डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है इससे, और एंजाइम जो है लाइक एंजाइमेटिक एक्शन जो है हमारे पेट में उसका एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो मैं आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए हमें चॉप्ड, इस तरह से हमने इसके जो काली गाजर है उसको इस तरह से हमने काट लेना है, चॉप कर लेना है, और मस्टर्ड सीड जो हमें उसे बोलते हैं राई, राई को इस तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है, और ब्लैक सॉल्ट चाहिए हमें 1 चम्मच, और काली मिर्च, और आप रेड चिल्ली भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसके लिए हमने क्या करना है कि 2 लीटर पानी चाहिए, 2 गाजरें इस तरह की, जो काली गाजरें इस तरह के साइज़ की, मैंने ये 2 कैरेट्स ली हैं, मीन्स 2 गाजरें इस साइज़ की, इसको हमने चॉप किया है। आपने इस तरह का कोई भी बर्तन लेना है, कांच का बर्तन नहीं लेना है, ग्लास यूज़ करना है, प्लास्टिक आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, प्लास्टिक नहीं लेना। जहाँ पुराने समय में जहाँ आप आपको मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हो, कांच प्लास्टिक भी नहीं यूज़ करना, स्टील भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि उसका रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि जब इसकी फर्मेंटेशन होती है तो रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए आपने ये वाला कोई भी इस तरह का बर्तन यूज़ नहीं करना। इसके लिए खाली आपने इस तरह का कांच का बर्तन, ग्लास का बर्तन यूज़ करना है इसकी फर्मेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले आपने 2 लीटर पानी लेना है, उसमें आपने इस तरह से कैरेट डालनी है, तो सारे पीसेस डाल देने इसके, और पानी आपने पूरा ऊपर तक नहीं लेना क्योंकि इसकी फर्मेंटेशन होनी है, तो इसने ऊपर तक आना है। तो उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच राई डाल देनी है और 1 चम्मच आपने सॉल्ट डाल देना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1/4 आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है, और इस तरह से इसको कवर कर देना है टाइटली। कवर करके इसको 4 या 5 डेज के लिए हमने सन लाइट में रखना है, और पूरा दिन इसको सनलाइट में पड़े रहने देना है। शाम के समय आपने इसको अंदर रख देना, यहाँ पे 22 या 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, इसको ज़्यादा ठंड में भी नहीं पड़े रहने देना। आफ्टर 3-4 डेज तक ये रेडी हो जाएगा। काली गाजर के बेनिफिट्स बहुत हैं, ये एक पहले नंबर पे तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, सेकेंडली ये हमारे लीवर को क्लींस करती है, थर्ड ये हमारे मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एंड थर्ड जो वेट लॉस वाले हैं ना उनके लिए तो ये बहुत ही कह सकते हो वेट लॉस में भी हेल्प करती है, और उनके लिए ये एक ड्रिंक अच्छी ड्रिंक है, लो कैलोरी ड्रिंक है, क्योंकि आप ये पी के आपके वेट लॉस में ये हेल्प करेगी, तो इसलिए ये एक पावरफुल ड्रिंक भी होगी, आपके प्रोबायोटिक्स के साथ वेट लॉस ड्रिंक होगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक होगी, लीवर टॉनिक होगी, ब्लड प्योरीफायर हो गया, और इम्यूनिटी बूस्टिंग तो है ही, तो इसलिए ये ड्रिंक अपने इन दिनों में विंटर में ज़रूर ऐड करें, और आप इसको बिफोर लंच ले सकते हो, मिड इवनिंग स्नैक ले सकते हो, मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हो। आफ्टर 4-5 डेज जो काली गाजर है कि कांजी है उसका कलर कुछ इस तरह से निकलता है, और इस तरह से ये लगती है, और ये बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। काली गाजर जो है जनरली इसकी जो कांजी है ये विंटर में ही बनाई जाती है। तो अब मैं इसका टेस्ट करती हूँ, वाओ वेरी नाइस कलर, रेड रेड, इट्स टू यमी, सो टेस्टी, बहुत टेस्टी है, इट्स ग्रेट प्रोबायोटिक, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना।
और जो इसके बीच में जो कैरेट्स हमने चॉप किए हैं उसको आप एज ए पिकल यूज कर सकते हो, सैलड यूज कर सकते हो लंच में, डिनर में। तो इट्स वेरी इजी रेसिपी, ट्राई करना और मुझे बताना, कमेंट बॉक्स कमेंट करना कि कैसी लगी आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।